हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जगह घेरती है और उसके वो मास का बना हुआ है, उसके पास मास है, यानी कि जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है उसे मैटर कहते हैं। जैसे कि चेयर और आप, या वॉच, घड़ी, उसे मैटर कहते हैं। अब मैटर के पार्टिकल्स के पास कुछ खूबियाँ होती हैं। कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं? वे बहुत छोटे होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जगह होती है, और उनके जो मॉलिक्यूल हैं, मैटर के जो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जो पार्टिकल हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। और वे जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक वो पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं, तो इस एक्टिविटी से पता चलता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बीकर ले लेंगे, कई एक चार या पांच या कई सारे। तो पहले वाले बीकर में हम लोग 100 ml पानी ले लेंगे, दूसरे वाले में 90 और सब में 90। तो पहले वाले बीकर में हम लोग 2 या 3 क्रिस्टल मिला देंगे पोटेशियम पर मैग्नेट का, तो उसका क्या होगा कि रंग डार्क पर्पल हो जाएगा। तो उसका जो इसका इसमें का पहले वाले बीकर में का 10 ml जो सॉल्यूशन है, वो हम लोग दूसरे बीकर में मिला देंगे। फिर क्या हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे वाले बीकर का जो पानी है उसका रंग भी बदल जाता है, लेकिन पहले वाले बीकर के मुकाबले इसका रंग हल्का होता है। और फिर हम लोग तीसरे वाले बीकर में 10 ml सॉल्यूशन मिला देते हैं दूसरे वाले बीकर का मिला देते हैं तीसरे वाले बीकर में 10 ml सॉल्यूशन, तो इसका भी रंग हल्का हो जाएगा, दूसरे वाले के मुकाबले हल्का हो जाएगा। फिर वही हम लोग आखिरी वाले बीकर में भी मिला देते हैं इसका सॉल्यूशन, वो भी 10 ml, तो इसका जो रंग है ये बहुत हल्का हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते रहेंगे तो भी इसका रंग हल्का ही रहेगा। आखिर कुछ भी हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल रह ही जाएंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के। तो इससे पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल हैं मैटर के, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अब दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके बीच में जगह होती है, और उस जगह को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है, इसके बीच में जो जगह है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम लोग को पता चलेगा कि मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पानी है एक बीकर में। फिर इस पहले वाले बीकर में हम लोग एक चम्मच साल्ट मिला दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जा रहे हैं, और जो पानी का जो लेवल था वो बढ़ा नहीं है। यहाँ पर भी इतना ही था, यहाँ पर भी उतना ही है, लेकिन मॉलिक्यूल जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल हैं वो इसके बीच में छिपे हुए हैं। सॉल्ट मिलाने के बावजूद अगर चीनी भी मिला देंगे तो भी यही होगा। इससे पता चलता है कि जो मैटर है उसके बीच में स्पेस होता है, मैटर के जो पार्टिकल उसके बीच में स्पेस होता है। तो पार्टिकल तीसरे कैरेक्टर पे चलते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। किस तरह से मूव करते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक बीकर में हम लोग ले लेते हैं पानी, उसमें एक ड्रॉप इंक मिला दे रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि जो ड्रॉप है इंक का, वो पहले नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे फैल जाता है, पूरे पानी में फैल जाता है, तो पूरे पानी का रंग बदल जाता है। वो क्यों फैलता है? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है इंक का यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जहाँ पे गिरा था, फिर और जो उसके अगल बगल का एरिया है उधर इंक की कंसंट्रेशन है ही नहीं,
तो उधर लो कंसंट्रेशन है, तो जो तो वहाँ पर डिफ्यूज़न होता है, तो जो इंक है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, तो इधर फैल जाता है, तो उसका रंग बदल जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब चौथे कैरेक्टर पे चलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक एक कई दोस्तों की जोड़ी है, कई दोस्तों की जोड़ी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पहले बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, दूसरे वाले में कम घनिष्ठ मित्रता थी, अब इस वाले में बहुत ही कम घनिष्ठ मित्रता है, बहुत कम। तब देख रहे हैं कि दुश्मन, जो दुश्मन है चौथा ग्रुप, मतलब ये ग्रुप है जो दुश्मन ग्रुप है, इन सब से दुश्मनी किया हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं सब। तो जो इसको अलग करने की कोशिश करेगा, अच्छे से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि ये जो दोस्त हैं ये मॉलिक्यूल हैं, और इसको कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो दोस्त हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो जिसके वजह से एनिमी है वो थक जा रहा है, तो उसको अलग नहीं कर पा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग आयरन नहीं ले लेते हैं, और हाँ हम ही लोग उसको मोड़ने की तोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं टूटता है, तो यही हालत यहाँ पर भी है। तो अब दूसरे केस में क्या होता है कि ये जो दोस्त हैं वो एक दूसरे में कुछ खास घनिष्ठ मित्रता नहीं है, मीडियम है। तो जो जो इनके दुश्मन हैं वो इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, तोड़ लेते हैं, लेकिन बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन तोड़ देते हैं। और जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पानी, पानी को हम लोग आसानी से छेद कर निकल सकते हैं, पार कर सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी होगी, उतना तेज़ी से भाग उसमें पानी में दौड़ नहीं पाएंगे जितना कि हवा में। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दोस्त हैं इनमें थोड़ी मोड़ी दुश्मनी भी है, जो दो मान लीजिए इसमें जो दोस्त हैं मित्रता तो है नहीं बढ़िया, तो क्या होगा कि जो एनिमी है इसमें बढ़ा चढ़ा के किसी को कहेंगे कि ये तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे बारे में बुरा कहता है, ये तुम्हारे बारे में बुरा कहता है, ऐसा ऐसा कह के एक दूसरे को अलग कर देंगे। क्योंकि जैसे कि क्योंकि अगर ये अच्छे से जुड़े हुए नहीं हैं, दोस्त नहीं है, तो विश्वास ही नहीं है, तो कैसे कैसे दोस्ती चलेगी, तो इसलिए ये अलग हो जाते हैं। यही हवा के साथ होता है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इधर उधर चला जाता है, हवा फैलती है। और वही सॉलिड में होता है कि एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जिसकी वजह से इनको तोड़ना जिसकी वजह से इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इनको तोड़ना मुश्किल होता है। और यहाँ पे पानी को देखें तो पानी को देखेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल जो है थोड़ा पास पास रहते हैं हवा के मुकाबले, तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा पार करने में मान लीजिए हम लोग पानी में दौड़ रहे हैं, थोड़ा हम लोग को परेशानी महसूस होती है, हवा में हम लोग आसानी से पार कर लेते हैं, हवा में हम लोग आसानी से दौड़ लेते हैं, हाँ हमें हम लोग आसानी से दौड़ लेते हैं, लेकिन पानी में वही हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सॉलिड में तो हम लोग पार ही नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।